बम फटाकों के दुकानदारों को दिए दिशा निर्देश। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए पटाखों की दुकान वालों को बुलाकर थाना परिसर में नायब तहसीलदार एसआर देशमुख एवं उप निरीक्षक निधि रघुवंशी द्वारा रखी गई मीटिंग। सीहोर जिले के कस्बा दोरहा में थाना परिसर में मीटिंग रखी गई। इसमें पटाखों की दुकान को लेकर दिशा निर्देश दुकान वालों को दिए गए। इसमें पूर्व अनुसार जो यहाँ दुकान लगाता है वहीं लगाए, यदि इसमें किसी को आपत्ति है तो राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के माध्यम से पर्ची डालकर नंबर के हिसाब से जगह दी जाएगी। यदि एक जगह का लाइसेंस है तो वे अन्य जगह दुकान नहीं लगाएगा। बिना लाइसेंस के दुकान लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से पटाखों की दुकान मेन मार्केट से अलग स्थान पर लगाई जाएगी। मेन मार्केट में किसी भी दुकान वाले को पटाखे रखने की अनुमति नहीं है। दुकान से दुकान की दूरी 2 से 3 फीट होना आवश्यक है एवं रेत की बाल्टी रखी होना चाहिए। पानी का साधन भी दुकान पर होना चाहिए। लाइट की व्यवस्था सही हो, किसी प्रकार के कट वाले वायर नहीं लगे हों जिससे आग लगने का खतरा हो। कुछ लोगों द्वारा कलेक्टर महोदय एवं नायब तहसीलदार दोरहा थाना प्रभारी दोरहा एवं सरपंच महोदय को बिना लाइसेंस दुकान न लगाने वालों के संबंध में आवेदन भी दिया गया है। HK न्यूज के लिए दोरहा से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ये पटाखों की दुकानों को लेकर किस प्रकार की समस्या आ रही है? तो हमारे तो कोई समस्या नहीं है। असल बात ये जैसे प्रशासन ने जो है लाइसेंस का यानी कलेक्टर महोदय ने जो निकाला है तारीख भी दी थी, तो उसके अंदर हम जो लाइसेंसदारी वो बगैर हमें तकलीफ जो है बगैर लाइसेंस वालों से हमारे प्रशासन से निवेदन है कि बगैर लाइसेंस की कहीं भी कोई दुकान ना लगाने दिए जाए। हमें सिर्फ इसी की मतलब देखे। आपने इसको लेकर आवेदन दिया है क्या? इसको हमने आवेदन दिए हैं पहले ही, कलेक्टर महोदय को भी देकर आए हम और SP ऑफिस में भी देकर आए हैं, तहसीलदार साहब को भी दिए हैं, फिर साधन यानी थाने प्रभारी को भी दिए हमने और ग्राम पंचायत दोरहा को भी दिए हमने। और हम जैसे दोराए अहमदपुर शामपुर बरकड़ा आसन सोनका जमोनिया खुर्द इस जगह हम दुकान लगाते हैं, साथ ही जगह के हमारे लाइसेंस के हमने आवेदन दिए हैं और हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ बगैर लाइसेंस वालों के ऊपर कानून कार्रवाई की जाए भले वो कोई भी हो।